नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और अनुपम चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आज नरिया नारियल लड्डू बनाने वाली हूं। उसके लिए ताजे पानी वाले नारियल ली हूं और उसे छोटे छोटे पीस में कट करके ले ली हूं। तो इसे हमें बिना पानी की सहायता से, हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और इसे हल्का ग्राइंड करके पीस लूँगी, इसीलिए इसे छोटे छोटे पीस में कट करके ली हूँ। तो चलिए पहले इसे पीस लेती हूँ अच्छे से। ये लीजिए दोस्तों, मैं नारियल को बिल्कुल बारीक इस तरह से पीस ली हूँ। इसे आपको बिना पानी के ही पीसना है। अगर आप पानी डाल करके इसे ग्राइंड करती हैं तो आप इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं करके रख सकती हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा थोड़ा करके ही उसे बारीक ग्राइंड कीजिए, तो ये अच्छे तरह से बारीक पीस जाएगा। अब एक मोटे तले की कढ़ाई ले लेनी है और एक कटोरी से नाप ले रही हूँ कि कितना हमारा नारियल है। तो उसके ठीक उसके हाफ क्वांटिटी में इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैं नाप ले रही हूँ एक कटोरी। दो कटोरी और थोड़ा सा हुआ है, यानी हम मैं इसमें एक कटोरी और थोड़ा सा चीनी ऐड करूँगी। तो चलिए चीनी भी ऐड कर देती हूँ इसमें। मैं एक कटोरी ही चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो थोड़ा सा और दो चार चम्मच ऐड कर सकती हैं। तो चलिए अब इसे लगातार भूनते हुए हमें पकाना है। तो चलिए इसे अच्छे से भून लेती हूँ। नारियल चीनी को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ी सी खुशबू भी आने लगी है अच्छी सी इसमें से। तब थोड़ा सा हाथों में पानी लगा कर और इस नारियल के इसको चेक कर लेती हूँ कि ये हमारे लड्डू के रूप में बन रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये अच्छे से अब लड्डू के रूप में बनने लगा है। ये देखिए, तो अब इसमें आप चाहें तो इस तरह से भी नारियल के लड्डू बना सकती हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा घर का बना हुआ मावा ऐड कर रही हूँ। इससे जो हमारा लड्डू बनेगा उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और चार कूटी हुई हरी इलायची इसमें डाल रही हूँ और इसे भी लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि मावा इसमें अच्छे से मिल जाए। देखिए दोस्तों, तो इसे अच्छे से पहले एक से 2 मिनट तक भून लेती हूँ। एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों कि अगर आप घर का मावा यूज़ कर रही हैं तो उसे भूनने की आवश्यकता नहीं है, उससे आपकी मिठाई का टेस्ट डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट का मावा यूज़ कर रही हैं तो उसे पहले अच्छे से कढ़ाई में भून लें तभी उसे यूज़ करें। तो चलिए, ये हमारा लड्डू का डो बनकर तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ ताकि लड्डू बना सकूँ। इसके सारे मिश्रण को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब थोड़ा सा हाथों में पानी लगा करके और इसका हमें गर्म में ही लड्डू बनाना है क्योंकि ठंडा हो जाने पर इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से इसके लड्डू बनने लगे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से। ये लीजिए दोस्तों, हमारे नारियल लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये खाने में सच मानिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है और सारी मिठाइयों से काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट होता है। आप चाहें तो बिना मावा के भी नारियल के लड्डू बना सकती हैं। बंगाली लोग तो लक्ष्मी पूजा में उन लोगों के लिए ये खास आइटम होता है कि नारियल लड्डू रहती ही हैं तो। और लेकिन अगर आप मावा डाल के बनाती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस रेसिपी से एक बार ज़रूर नारियल लड्डू बनाइए। देखिए ये कितने सॉफ्ट भी बने हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेंगे। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी से एक बार नारियल लड्डू ज़रूर बनाएँ और मुझे कॉमेंट करके बताएँ कि आपका नारियल लड्डू कैसा बना है। धन्यवाद।